एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर बेटा 2 है और उसका थर्ड वाला पार्ट है। क्वेश्चन उसका ये है कि आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं, -3 + 5 बेटा, और एक आपके पास -4 + 9 बेटा। इसको आपने क्या करना है, a + b बेटा की फॉर्म में लिखना है। तो लिखते हैं बेटा इसको। बेटा ये जो है आप नेगेटिव साइन देख रहे हैं, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, साइंस को चेंज कर देगा, तो प्लस का 3 हो जाएगा और माइनस का 5 होता हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये आपके पास आ जाएगा -4 + 9 होता। अब बेटा हमने क्या करना है, रियल वाले पार्ट, रियल वाले पार्ट में 3 और ये नेगेटिव साइन 4, और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी, जैसे कि यहाँ पे क्या है -5 और ये ±-9 होता, और यहाँ पर बेटा पॉजिटिव साइन। अब 3 - 4 क्या आएगा, -1, ये पॉजिटिव साइन, और -5 और -9 -14 है बेटा। अब इसको बेटा फर्दर सिंप्लीफाई करें तो -1 + -14 है बेटा। तो ये बेटा आपके पास आंसर है, उसने कहा था इसको a + b बेटा की फॉर्म में लिखें, तो हमने इसको a + b बेटा की फॉर्म में लिख दिया। एक्सरसाइज 2.6 है बेटा, उसका क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ वाला पार्ट है। क्वेश्चन उसका ये है कि आपके पास अगर 2 i / 2, 6 i / 3, 3 i / 16, 6 i / 19, 4 i / 25 हो, तो आपने क्या करना है, इसको a + b योटा की फॉर्म में लिखना है। तो बेटा सबसे पहले हम क्या करते हैं, योटा को लोएस्ट फॉर्म में लेके जाते हैं, तो उसके लिए 2 i² हम जानते हैं किसके इक्वल होता है, -1 के। जहाँ जहाँ पे योटा स्केयर होगा वहाँ पे -1 लिखता जा रहा है, -1 का स्केयर प्लस 6 कॉन्स्टेंट नंबर एज इट इज। अब i² क्या है बेटा, 3। अब 3 को मैं 2 पे डिवाइड करूँगा, 2 1 2 1 कैरी, ठीक है 1 बचे। लिखने का तरीका आपको पता है कि i² whole^1 मल्टीप्लाई बाय i^1, ठीक है, प्लस ये 3 i^16 है बेटा, 16 2^8, इसको 16 को हमने सॉल्व करना, तो 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4 और 2 1। दूसरे अल्फाज में अगर मैं बोलूँ तो ये मेरा पास बेटा क्या आ जाएगा, जब हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 8 16, बाकी 0 बचेगा। लिखने का तरीका ये है, योटा स्केयर whole^8 मल्टीप्लाई बाय i^2 ये वाली 0, ठीक है जी। अब हम क्या करते हैं, बाकी मेरे पास ये वाला -6, अब योटा की पावर क्या लिखनी है, 2 whole^2 क्या लिखना है, अब 19 है तो 19 को 2 पे डिवाइड करें, 2 9 18 1 कैरी, तो i^2 ये whole^9 मल्टीप्लाई बाई i^1 प्लस 4। अब i^25 है तो 25 को 2 पे डिवाइड करें, 2 1 2 2 4 और 1 कैरी, तो i^2 whole^12 मल्टीप्लाई बाई i^1। अब इसको बेटा ज़रा थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, ये -1 की पावर 2 है तो ये +1 हो जाएगा, और +1 इसे मल्टीप्लाई होगा तो 2 आएगा। आयोटा स्केयर बेटा -1 के इक्वल होता है 6, और यहाँ पर -1 आ जाएगा और साथ में आयोटा मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, +3। आयोटा स्केयर बेटा -1 के इक्वल होता है, और -1 की पावर क्या आ जाएगी, 8। i^0 बेटा 1 के इक्वल होता है, तो i^0 की जगह पे 1, किसी भी चीज़ की पावर 0 जो है वो किसके इक्वल होता है, 1 के। अब बेटा हमारे पास ये जो है ना -6 i^2 -1 के इक्वल होता है -1^9, और i^1 i एज इट इज़ बेटा, ठीक है। अब ये +4 i^2 - 1 की पावर 12 आ जाएगा, अब i^1 यानी कि i एज इट इज़। अब बेटा इसको थोड़ा फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, 2 ये -6 i आ जाएगा, अब ये क्या आ जाएगा +3, अब -1 की पावर है 8, अब -1 की पावर 8 किसके इक्वल होता है,
प्लस वन के, तो प्लस वन और वन मल्टीप्लाई होके तो थ्री ही रहेगा। अब ये बेटा माइनस सिक्स, माइनस वन की पावर है नाइन, जो कि आपके पास क्या है ऑड नंबर है, ठीक है ऑड नंबर है, तो ये माइनस इसको क्या कर देगा बेटा प्लस कर देगा, क्योंकि माइनस बाहर आएगा ना और साथ में ये आयोटा आ जाएगा। अब ये प्लस फोर, अब माइनस वन की पावर है ट्वेल्व, जो कि इवन नंबर है, तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस वन और साथ में ये आयोटा आ जाएगा। अब ये देखिए बेटा, ये माइनस का सिक्स आयोटा और प्लस का सिक्स आयोटा कट जाएंगे, बाकी क्या बचेगा आपके पास, टू प्लस थ्री इज इक्वल टू फाइव प्लस फोर आयोटा, जो कि आपके पास आंसर होगा बेटा।